नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमलापति भाई चलो। बाटली वाला चलो। यस डॉक्टर। बैठिए मत, बैठिए मत। इस हालत में आप बैठ रही, चलिए लेट जाइए, लेट जाइए। अरे बाप रे, डंडा नीचे। सुनना पड़ेगा। मारता मारता। ये तो आपका आखिरी महीना चल रहा है और आप ऐसे मटक के आ रही हैं जैसे कुंवारी है। शू बात करे जी डॉक्टर, ना मैं पेट से है और ना मैं औरत है। तो फिर ये क्या है? तो छोकड़ी छो भी कुंवारी। ठीक है मगर तकलीफ क्या है? तकलीफ तो ये है कि कोई मेरे को तकलीफ ही नहीं देता है। अरे ये क्या तकलीफ हुई? ओ डॉक्टर, मारा जिंदगी में ट्रेजेडी छे। बेचारी नहीं, बीमारी। क्या बीमारी? जब भी मैं किसी आदमी को देखता है तो मारा दिल नी गंदी वागवा लागे छे, जोर जोर थी। क्या बचती है? गंदी गंदी, समझ गया। क्या करूं डॉक्टर, नाड़ी चूहा। अच्छा ये नाड़ी ना, ये नाड़ी नहीं 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 नहीं, ये नाड़ी। नाड़ी नाड़ी चोकड़ी हूँ ना। एक दिन मारा जिंदगी में एक बूढ़ा आया था, उसको देखकर भी मारी दिल की घंटी वागवा लगी थी। बुढ़े को देखकर भी दिल की घंटी वागवा लगी? मुझे देख के तुम्हारे दिल की घंटी वागवा नहीं लगी। डॉक्टर पेशेंट के बीच में बोला तो तुम्हारी भी वागवा वागवा कर दूंगा। यस प्लीज। फिर डॉक्टर, मारा जिंदगी में एक जवान आदमी आया था, फिर उसको देख के भी मारी दिल नी गंदी वागवा लगी थी। वेरी गुड। लेकिन वो दोनों मर्द को मेरे पर बिल्कुल दया नहीं आया। वो दोनों मेरे को छोड़ के चला गया। क्या करके? छोड़ के। तुम एक काम करो डॉक्टर। क्या काम? तुम मेरा नसबंदी कर दो। माय गॉड, नसबंदी? मेजर ऑपरेशन, डेफिनेटली। तुम मेरा दिल का गंदी काट देगा तो मेरा सारा अरमान कट जाएगा। फिर किसी भी आदमी को देखकर मारा दिल नी गंदी ना वागे। नहीं, तुम कैसी निराशावादी बातें करती हो? अभी तुम जवान हो, खूबसूरत हो, नाजुक हो, स्वीट 16 हो। इतनी जल्दी घंटी मत कटवाओ। सुनो, एक काम करो, मैं तुमको एक दवा देता हूँ, जिस मर्द को भी खिलाओगी उसकी घंटी अपने आप वागवा लेगी और तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। रियली? अरे रियली क्या, मैंने कितनों की घंटी वागवाई है? यू सी माई मिक्सचर। होल्ड ऑन। मुझे देख के अब घंटी बजी? नहीं, जंग लग गया है। इसको भी देखकर मारी दिल्ली कंटी वागवा लगे छे। डॉक्टर भी हैंडसम छे, दवाई तो ये बना रहा है। हाँ, क्यों ना मैं ये दवाई इसी को पिला दू। ये रहा शर्तिया मर्द की घंटी बजाने वाला मिक्सर। 21 साल का फॉर्मूला, जिस मर्द ने इसको पिया उसकी बजी। अरे ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? पहला डॉक्टर दत्तू, मेरे सपनों की रानी बेला, कहाँ है तू? नहीं छोड़ूंगा बेला। कब से हूँ मैं अकेला? मेरे सपनों की रानी बेला, ओ मेरी बुलबुल, मेरी बुलबुल बेला, क्यों रहा तुझ भी अकेला? बेला चल, बेला चल, चलो तू मुझे ले चल। मैं बेला, मैं दीवाना। डॉक्टर साहब, ये शादी नहीं खुदकुशी है। आप हत्या। आज ही क्या हो गया है तुम्हें? अंधेरे में बैठे हो,
शराब पे शराब पिए जा रहे हो, कोई परेशानी है? हाँ सपना, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी जिंदगी में हर जंग जीता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं अपने बेटे से हार जाऊं? बहुत बहुत बदल गया है, अपनी मर्जी से आता है, मर्जी से जाता है, बात करता है तो शब्द कम कांटे ज्यादा होते हैं, कारण पूछो तो मुस्कुराकर टाल देता है। मुझे तो उसकी मुस्कुराहट से भी खौफ लगने लगा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि रंजीत हम बाप बेटे के बीच में नफरत की दीवार खड़ी कर रहा हो? पता नहीं, पूछती तो मैं भी हूं लेकिन ठीक से जवाब मुझे भी नहीं देता। हम एक बार जाकर राधा से मिल लेते हैं, रवि राधा को बहुत प्यार करता है, उसने अपने दिल की बात राधा को तो बताई होगी, और अगर उसके दिल में हमारे खिलाफ रंजीत ने गलतफहमी पैदा कर दी है तो वो उसे दूर करेगी। रवि हमारी बात का तो विश्वास करेगा नहीं, इसलिए एक बार हमारा राधा से मिलना बहुत जरूरी है। क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि श्राद्ध वाले दिन तुम्हारे माँ बाप के साथ जो सुलूक किया था वो ठीक नहीं था। ये तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम पूरी तरह हकीकत से वाकिफ नहीं। 20 साल पहले मेरे दादा दादी ने अपनी औलाद के हाथों जो जुल्म सहे उनकी हकीकत जानना चाहती हूँ। आओ मेरे साथ। ये डायरी मेरे बूढ़े दादा दादी के दुखों की दास्तान है और मेरे बाबूजी के उन जुल्मों की किताब है जो पिछले 20 साल से वो करते आ रहे हैं और 20 साल से लोग सहते आ रहे हैं। इसे पढ़ो, इसे पढ़ने के बाद तुम्हारे जहन पर पड़े शक के पर्दे हट जाएंगे और उन पर्दों के पीछे तुम्हें सच्चाई रोती हुई नजर आएगी। लो, पढ़ो इसे। नहीं रवि, हालात देखने के बाद ये डायरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। रवि? हाँ जी दादाजी। ये कौन है? ये वो मेरी नानी है। नहीं वो कौन हो तुम? नाम भी नहीं मालूम। नहीं वो नाम याद आ गया, इसका नाम राधा है। हाँ। और ये गोभी फूल अपना फूलचंद जी की बेटी। पांव छूने के लिए कह रहा है बेटी, जोर से बोला करना। बस बेटी बस, अरे बस 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 बेटी, ये पकड़ बेटी। तेरा बाप और मैं बहुत जमाने के दोस्त हैं। एक बात बोलता हूँ, बुरा मत माना, जिस दिन तू पैदा हुई थी ना तो तेरा बाप धाड़े मार मार के रो रहा था। ऐसे रो रहा था सारे शहर में भौंचाल आ गए, इतने मोटे मोटे आंसू गिरा रहा था वो। लेकिन अब भगवान का शुक्र अदा करता है कि भगवान ने उसको इस बेटी की जगह बेटा नहीं दे दिया, मिठाइयां बांटता फिरता है वो। बेटी एक खास बात बोलूं? क्या है? उधर देख, ये जो रवि है ना ये अपने दादा की तरह थोड़ा सनकी है, जरा ख्याल रखना है इसका। दादी अजी बस भी कीजिए ना। क्यों? क्या बच्चों से ऐसी बातें करते हैं? ये क्या बात हुई? तो मेरे घर जब पहली बार आई थी तो मेरे पिता ने तुमसे नहीं कहा था ये गंगाराम थोड़ा सनकी है, इसका जरा ख्याल रखना? कहा था या नहीं? हाँ, मगर उस रोज मैं ब्याह कर आपके घर आई थी। तो ये भी आ जाएगी? कितना वक्त लगने वाला है? मैंने जिंदगी में भगवान से कुछ नहीं मांगा, मगर ये बहू तो जरूर मांगूंगा। और इसके माध्यम से साफ लिखा है कि दुनिया में कहीं नहीं जा सकती, सिर्फ गंगाराम की बहू बनकर आएगी। क्यों बेटी, सही कह रहा हूं ना? खुले। सामान उठा लो साहब। हाँ। ये क्या बदतमीजी है रवि, कहीं तो पागल तो नहीं हो गए हो? जी नहीं, मैं बिल्कुल होश में हूँ। तो दुनिया को तमाशा दिखाना चाहते हो कि एक करोड़पति बाप का बेटा कूली का काम कर रहा है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जी मुझे शर्म आनी चाहिए क्योंकि मैं करोड़पति बाप का बेटा होकर कुली का काम कर रहा हूं। लेकिन अगर एक करोड़पति आदमी का बाप कुली का काम कर सकता है तो फिर बेटे को कुली का काम करने में कैसी शर्म? क्या बकवास कर रहा है तुम? बकवास? मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूं। क्या मतलब? मतलब ही जानना चाहते हैं तो वहां देखिए। जी हाँ, आपके पिता और मेरे दादाजी। हाँ। बाबूजी, बरसों से जो आपने झूठ का पर्दा डाल रखा था आज वो खुल गया और हकीकत सामने आ गई।
वाकई ये बहुत ही शर्म की बात है कि करोड़पति आदमी का बाप एक मामूली से झोपड़े में रहता है और कुली गिरी करके अपना पेट भरता है। आज आपको पता चल गया होगा कि मेरे बदले हुए रवैये की वजह क्या है। आ जाओ भाई, दरवाजा खुला है। आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे मुझे भूल गए हो। नहीं नहीं, तुम्हें कोई कैसे भूल सकता है? इंसान अपने आप को भूल सकता है, मगर तुम जैसी औलाद को कभी नहीं भूल सकता। मैं आपको अपने घर ले जाने आया हूँ। फिर ले जाने आया हूँ? लेकिन अब की बार तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये झोपड़ा भी किराए का है, इसे मुझसे छुपा कर तुम बेच भी नहीं सकोगे। लगता है आप अपनी पुरानी बातों का बदला अब तक मुझसे ले रहे हैं। नहीं जी, मैं क्या, मेरी औकात क्या, मैं किसी से क्या बदला लूंगा? ये बूढ़ा गरीब कुली शहर के इतने बड़े सेठ से क्या बदला लेगा? यही तो मैं चाहता हूं कि आप कुली ना रहें। तो क्या करूं, भिखारी बन जाऊं? देखिए, हम तो सिर्फ इतना कहने आए हैं कि आप पुरानी बातों को भूल जाइए और हमारे साथ घर चलिए। क्यों, घर के नौकर काम छोड़कर चले गए क्या जो हम लोगों को लेने आई हो? पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मिस्टर विजय कुमार, आप बिना मतलब के भगवान के घर नहीं जाते तो हम फेंके हुए कूड़ों को अपने घर क्यों ले जाने लगे? झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। साफ बताओ कि तुम्हारा मकसद क्या है। तो साफ साफ सुनिए कि मेरा मकसद क्या है। रवि को आप लोगों के बारे में पता चल चुका है कि हम लोग मरे नहीं, जिंदा हैं, और वो हमसे दूर हो चुका है। ये तो एक दिन होना ही था। इस दुनिया में इंसान को अपने कर्मों का हिसाब यहीं पूरा करके जाना पड़ता है। जो औलाद अपने माँ बाप का दिल दुखाती है, जब वो माँ बाप की पदवी संभालती है तो उनकी औलाद उनका दिल दुखाती है। भाई मेरे, कांटे बोए हैं तो फूल कहाँ से पाओगे? मैं यहाँ इस वक्त आपसे जिंदगी का सबक सीखने नहीं आया हूँ, मैं आपसे बल्कि ये कहने आया हूँ, या तो आप घर चलिए या फिर ये रखकर कोई ढंग का घर खरीद कर अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। खुद का घर टूटने लगा तो रिश्वत तो मुझे घर दिलाने चले आए हो। विजय, तुम्हारी सारी जिंदगी गुजर गई, तुम अब तक रिश्वत और बेईमानी के दलदल से बाहर नहीं आए हो। और रिश्वत भी देने आए किसको, इस गंगाराम को, जिसको जवानी में कभी पैसे की तमन्ना नहीं थी, उस बुढ़ापे में क्या करेगा? जिसका सारी जिंदगी एक ही उसूल रहा है कि इंसान के पास सिर्फ इतना पैसा हो कि वो दो वक्त की रोटी इज्जत के साथ कमा कर खा सके। जहां पैसा रोटी की हद से बढ़ गया, वही इंसान बेईमानी के दलदल में गड़ गया। पर ये गंगाराम मौत के दलदल में गड़ जाएगा, मगर बेईमानी के दलदल में कभी नहीं गड़ेगा। इसलिए आइंदा कभी ऐसी बेहुदा तमन्ना लेकर इस दहलीज पर कदम रखने की कोशिश मत करना। ये तुम्हारी जिंदगी का सौदा है, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, इसे खुद ही हल करो। यहां कभी मत आना, चले जाओ यहां से। गंगाराम को खरीदने आए हैं। विजय, विजय रुक जा बेटे, विजय 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 बेटे, विजय, 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 मेरी बेटी।
को पाएगा तू? माँ तू आ गया बेटे? हाँ माँ, तू बिल्कुल बात मत कर। माँ विजय, मैं तेरे इलाज का पूरा प्रबंध कर आया हूँ। माँ तू बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। माँ तू बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। जानते हो तेरे बाबूजी क्या कहते थे? तू नहीं आएगा। और मैंने कहा विजय, विजय मेरा बेटा है, वो मेरे लिए दुनिया को ठुकरा देगा, लेकिन मेरे पास जरूर आएगा, जरूर आएगा। सुनिए, मैं ना हमेशा कहती थी माँ से ज्यादा बेटे को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि माँ के प्यार की उम्र औरों के प्यार की उम्र से 9 महीने ज्यादा होती है, क्योंकि माँ 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखती है। तू चुप हो जा माँ, कुछ बोल मत, कुछ मत बोल। हाँ माँ, हाँ रवि। हाँ दादी माँ। रवि तू दादी माँ, चेयर्स बॉल। चेयर्स। एक्सक्यूज मी सर, आपका फोन। कह दो क्या मीटिंग में? आपके घर से है, इट्स अर्जेंट। एक्सक्यूज मी, इट्स ऑल राइट। हेलो। हेलो विजय, मैं सपना बोल रही हूँ। हाँ बोलो। आज सुबह तुम्हारी माँ का देहांत हो गया है। क्या? माँ का देहांत हो गया? उसे भी अभी मरना था? सुनो, अगर मैं अभी यहाँ से निकला तो मेरा करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाएगा। तुम एक काम करो, किसी भी हालत में रवि को संभाल लो और खुद वहां पर जाकर क्रियाक्रम पर जितना भी पैसा लगे उन्हें दे देना। और हाँ, मुझे वक्त मिला तो मैं जरूर आऊंगा। ओके। बेटे का इंतजार करते करते आंखें इतनी थक गई कि हमेशा के लिए सो गई। ये भी नहीं सोचा कि ये बूढ़ा अपनी जिंदगी के बोझ को कमजोर कांधों पर नहीं उठा सकता। दादाजी, अकेला नहीं उठा सकता, दादाजी नहीं उठा सकता। बाजी, हाय बाजी, ये क्या हो गया बाजी? आप हमें छोड़कर क्यों चले गए बाजी? हमें 2 दिन आपकी सेवा करने का मौका तो दिया होता बाजी। माँ, बाबूजी भी है? क्या बताऊँ बेटा, मैंने लाख कोशिश की, फोन पे फोन किए, लेकिन उनसे बात नहीं हुई। हाय, उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि उनकी माँ का देहांत हो गया है। अगर उनको पता चल जाता बेटा तो वो जरूर आते, जरूर आते बेटा। बस आंसू मत बहा। जो माँ जीते जी अपनी औलाद पर बोझ नहीं बनी, वो मरने के बाद क्या बोझ बनेगी? जिन कांधों के मुकद्दर में इसका बोझ लिखा है, आज भी वही इसका बोझ उठाएंगे। किसी की जरूरत नहीं है मुझे। दादाजी, दादाजी, किसी की जरूरत नहीं है।
17 करोड़ की बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है ये। अपने किस्म की इस देश में ये पहली बिल्डिंग होगी, सबसे खूबसूरत, सबसे ऊंची इमारत मानी जाएगी ये। बाबूजी, इस देश की सबसे ऊंची इमारत तो बना रहे हैं आप, मगर वो जमीन जिसने आपकी जिंदगी की इमारत को बनाया, वो जमीन आज धस के मौत की गहराइयों में उतर गई और उसकी रत्ती भर परवाह तक नहीं है आपको। इसे देख रहे हैं आप, इस कलश में जलती हुई ममता की राख है, उन हड्डियों के टुकड़े हैं जिन्होंने आपकी हड्डियों को जन्म दिया। राख की शक्ल में इसमें आपकी मां का शरीर बंद है बाबूजी, वो शरीर जिसने आपको 9 महीने अपनी कोख में रखा और उसका आपने यह सिला दिया कि उसकी अर्थी को कांदा देने के लिए आपके पास वक्त नहीं था। आप अपने बर्ताव से जिंदगी भर उनका दिल जलाते आए और जब उनको जलाने का असली वक्त आया तो आपने अपनी आंखें ही फेर ली। बेटे का सबसे बड़ा फर्ज होता है मां के दूध का कर्ज उतारना, उसकी चिता को आप, लेकिन आप तो पैसा कमाने में इतने मसरूफ रहे कि आपने वो कर्ज भी नहीं उतारा। रवि, इन सब बातों के लिए यही जगह है क्या? बाबूजी, मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं कि अब भी वक्त है मां के एहसानों के सागर में फर्ज के चंद कतरे अदा करने का। धर्म के अनुसार अस्थियों का विसर्जन किए बिना मरने वाले इंसान की आत्मा को शांति नहीं मिलती, मगर आपके पास तो इतना वक्त ही नहीं है कि इस राख को ले जाकर अपने हाथों से गंगा की लहरों में विसर्जन करें। इसलिए मैं इस कलश को आपके पास लेके आया हूं कि आप इसे सिर्फ छू दीजिए, बाकी फर्ज मैं अदा कर दूंगा। छूइए बाबूजी। क्या सोच रहे बाबूजी? किनसे शर्मा रहे? इन लोगों से? यहां पर जितने बड़े आदमी मौजूद हैं, इन लोगों में से कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बिना मां बाप के इस धरती पर आया है। बाबूजी छूइए इसे, बाबूजी छूइए इसे, छूइए बाबूजी। शुक्रिया बाबूजी, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर जाने से पहले एक बात कहकर जाना चाहता हूं, जिस चिता की आग में मेरी दादी जल गई उसी आग में मेरा और आपका रिश्ता भी जल गया। जो गम जो दुख आपने अपने मां बाप को दिए, अब आपकी बारी है। जब आपकी अपनी ये इकलौती औलाद आपसे जुदा हो जाएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि औलाद की जुदाई का दर्द मौत के दर्द से भी ज्यादा होता है। अब आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं, मैं जा रहा हूं बाबूजी, आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। रवि, 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 व्हाट? तुम्हारा हस्बैंड कुत्ते की तरह भौंकता है? ओह, और तुम्हारा कुत्ता मुंह में बैग उठाकर ऑफिस को चला जाता है? Oh my God, darling, this is very serious. Very interesting, don't bother. Hello, कौन? Mrs. भंडारी? हाँ हाँ, उस दिन आप अपने पति और कुत्ते को एक साथ लेकर आई थी कि दोनों की तबीयत खराब है और जल्दबाजी में मेरे कंपाउंडर ने आपके पति को कुत्ते का और कुत्ते को पति का इंजेक्शन लगा दिया था। हाँ हाँ, इसलिए मैंने उस कंपाउंडर को निकाल दिया और आजकल मैं इडली सांभर खाता हूँ। केक खाना छोड़ दिया, उसमें वो मक्खियां डाला करता था। पार्ट टाइम बिजनेस था जी उसका। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, वो नहीं है, अब मेरी डार्लिंग कंपाउंडर है। हाँ, आप एक काम कीजिए, अपने पति और कुत्ते दोनों को एक साथ यहाँ ले आइए, तो मैं आपके पति में से कुत्तापन
और कुत्ते में से पति पर निकाल दूंगा। हाँ। ये तो भाई आपने खेल डॉक्टर। खाओ डालिंग खाओ। डॉक्टर साहब। अरे माफ करो बाबा, छुट्टा नहीं, मरीज तो आते नहीं, भिखारी चले आते। मैं भिखारी नहीं हूँ, आपका मरीज हूँ। मरीज हो? कब इलाज करवाया था? एक महीने पहले। कमाल है, अभी तक जिंदा। वेरी लकी, वेरी लकी। क्या इलाज करवाया था? आपसे झूठ बोलने का इंजेक्शन लगवाया था। याद आया, 200 रुपए की जगह झूठ बोलकर 2 रुपए देकर खिसक गए थे तुम। डॉक्टर साहब, अब तो मेरी हालत खिसक के रह गई है। आपसे इंजेक्शन लगवाने के बाद इतना झूठ बोलना शुरू कर दिया कि आधा शहर मेरे पीछे डंडा लेके भाग रहा है। मेरे जान के पड़ गए लाले, अब तो तू ही बचा ले। डॉक्टर साहब, आज का एक किस्सा सुनिए हिजड़ों का। पैसे की लालच में आके हिजड़ों के झगड़े में कोर्ट में गवाही देने चला गया। गवाही तो देनी थी सच की, लेकिन जज साहब के सामने झूठ बोल दिया। एक हिजड़े ने औरत का बलात्कार किया। बलात्कार शब्द सुनते ही हिजड़े की जमात गुस्से में आ गई। जैसे ही कोर्ट से बाहर निकला तो सब हिजड़ों ने अपने घाघरे हिला हिला कर मुझे इतनी लाते मारी कि सीधा आपके दवाखाने में आके गिरा। डॉक्टर साहब, मुझे झूठ से बचा लीजिए, मुझे सच का इंजेक्शन लगा दीजिए जल्दी से प्लीज। समझ गया, आप पकड़ने आया। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। 400 रुपए निकालो। 400 रुपया? जी हाँ, 200 रुपया पिछली बार और 200 रुपया अभी सच का इंजेक्शन लगाने का। निकालो। वो तो दूंगा, आप इंजेक्शन तो लगाइए। नहीं देगा तो हवा आने दे, खिसक गया। नहीं निकाल, ये लीजिए। एक, दो, तीन, चार। कड़क कड़क, चलो रोते रोते लेट जाओ। 40, ये रहा सच बोलने का इंजेक्शन। थैंक यू डार्लिंग, इसके कूले बड़े हो गए ना, जरा देख रहा हूँ। ये जगह है। चल रोते रोते कूला ऊंचा कर, पहाड़ को नीचे कर। ए ए ए ए वन ए टू ए। इन डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। ये धुआं कहाँ से निकला था? ये तो हमारे सच बोलने वाले इंजेक्शन का कमाल है। सारे कीड़े झूठ के चल के निकल गए, भूत भाग गया, अब तुम सच बोलने लगोगे। कितना हंसता है डॉक्टर साहब, एक सच मेरे पेट में उबल रहा है। उबालो, निकालो। मैंने जो आपको 100-100 के 4 नोट दिए ना, ये कड़क, ये सब जाली है। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।